स्ट्रेट लाइन में जैसा कि यह टॉपिक यहाँ पे चुना है, आप इसको देख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो लाइंस आपको दी जाएंगी, वो किसी भी फॉर्म में लाइंस दी जाएंगी, आपको वहाँ पर उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना होगा। यहाँ पे पहले एक बार वर्बली हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर जो दर्शाया गया है फिगर ज्योमेट्री, एक लाइन यहाँ कंसीडर की गई है, एक लाइन यहाँ कंसीडर की गई है, ठीक है। देखा जाए तो ये तो एक ट्राइंगल बना दिया गया, मगर ये वाली लाइन का एंगल जो है ये अंदर न लेके हम लोग बाहर कंसीडर करेंगे, थीटा वन या जो भी है, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज सेंस में हमेशा एंगल लेते हैं, ठीक। तो ये थीटा जो है एंगल बिटवीन, ये लाइंस L1 है आपके सामने यहाँ पे और ये L2 है, तो ये एंगल आप बिटवीन टू लाइंस इज थीटा। तो ये फार्मूला आप नोट कर लें, टेन थीटा बराबर टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, ठीक। आगे हम लोग कैसे ये प्रूव हुआ और किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। पहले प्रूविंग देख लेते हैं, प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी प्रूविंग है, उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रूविंग को आपके सामने ही करते हैं जिससे कि आप ज्योमेट्री को समझ पाएं, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि हमने दर्शाया है कि एक लाइन L1 ली है, एक लाइन L2 ली है, लाइन इसको L1 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग और इसको L2 कंसीडर कर लेते हैं। स्लोप यहाँ दिए गए हैं M1 और M2, मगर ज्योमेट्री में जो दिखाया गया वो हमने इंक्लिनेशन एंगल दिखाए हैं, हमेशा एंगल एंटी क्लॉक वाइज सेंस में लेते हैं। तो ये लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा वन है और ये लाइन ऐसी गई तो इसका एंगल थीटा टू है। एंगल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा वन और थीटा टू, इन ये दोनों लाइन आपस में कहीं एक पॉइंट सपोज ए बी सी, तो ए पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का एंगल थीटा है, उसी थीटा को निकालना है। तो आप अगर ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी को लगाएं तो किसी भी ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल थीटा वन अपोजिट एंगल जो होते हैं इंटरनल, उनके सम के बराबर होता है। अब रिमाइंड करें, ध्यान दें तो ये आपको याद आ जाएगा, हमें निकालना थीटा है तो थीटा बराबर थीटा वन माइनस थीटा टू, दोनों तरफ टैन वैल्यू ले लेते हैं। आपको याद आ गया होगा कि ये एक फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ए वन तो टेन थीटा वन, फार्मूला सीधे सीधे लगा देंगे, ये आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, सबसे इजीएस्ट फार्मूला है। अब आपको पता ही है, बताया गया है कि जैसा कि टेन थीटा, अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो टेन थीटा स्लोप ऑफ अ लाइन होगा, तो यहाँ थीटा वन लाइन पहले का एंगल है तो उसका टेन थीटा वन एम वन हो जाएगा और टेन थीटा टू एम टू हो जाएगा। तो हम लोग स्लोप फॉर्म में ले आएंगे, टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। थीटा बराबर अगर देखेंगे तो टेन इनवर्स एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, तो सी डायरेक्टली हमें थीटा मिल जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखें कि लाइन्स के बीच में, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री हम दिखा रहे हैं, तो एक एंगल थीटा वन भी बन रहा है, एक एंगल थीटा टू बन रहा है। जैसे और इजली और सहज तरीके सीखना चाहें तो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो आपको इस ज्योमेट्री में दिख रहा है कि एक एंगल 90 से कम है और एक एंगल 90 से ज़्यादा है, तो एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूस है, दोनों एंगल बनेंगे। बट हमेशा बुक्स में या स्टैंडर्ड एक मानक माना गया है कि एंगल हमेशा एक्यूट लेते हैं 90 से कम, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए हमेशा टेन थीटा के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मॉड लगा देते हैं, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। क्यों? जिससे कि हमें एक्यूट एंगल मिले, मगर एंगल ऑब्ट्यूस भी होगा, ये ध्यान रखें, ऑब्ट्यूस भी होगा, यानी कि टेन थीटा बराबर प्लस माइनस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन और एम टू। एक बार प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, जो 90 से अधिक वैल्यू होगी वो ऑब्ट्यूस में जाएगी और जो 90 से कम होगी वो एक्यूट में जाएगी। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमने देखा, इस पर एक कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, उसके आगे फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखें। आपके सामने दो लाइन कंसीडर की हैं, कोई भी दो लाइन ले लें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एंगल निकालना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर एंगल आप ना निकाल पाएँ फटाफट। देखिए, दो लाइंस हमने जनरल फॉर्म में ली गई हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो फॉर्म में हो, स्लोप आपको निकालना हो डायरेक्ट तो आप माइनस ए अपॉन बी, दैट इज माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन
कोफिशियंट ऑफ वाई। सीधे आप याद रखिए, अगर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है तो आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेनी, एक्स का कोफिशियंट क्या बन जाएगा, स्लोप। तो इस लाइन, इस फॉर्म में लाइन है तो स्लोप एक्स का कोफिशियंट, और इस लाइन में, इस फॉर्म में लाइन है तो स्लोप ऐसे निकाल लेंगे। तो पहली लाइन को हम कंसिडर करते हैं L1 के नाम से, 2x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। तो M1 क्या होगा, x का कोफिशियंट माइनस टाइम्स और y का कोफिशियंट माइनस 4, दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 या M1, सीधे M1 में रख देंगे। L2 लाइन लेंगे, माइनस 3x माइनस 12y और प्लस 6 बराबर 0। भाई समझ में तो आ रहा होगा ना कैसे M1 निकाला, स्लोप मतलब M। तो यहाँ पर M1 उसी तरीके से निकाला जिस तरीके से वहाँ फार्मूला बताया गया है। ऐसे M2 निकाल लेंगे, देखिए माइनस ऑफ x का कोफिशियंट और डिवाइड किससे करेंगे, y के कोफिशियंट से। तो 3y माइनस 12 दैट इज माइनस 1/4, ये M2 आ गया। बस आपको फार्मूला लगाना है, tan थीटा बराबर मॉड लगा दीजिए एक्यूट के लिए, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अभी कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं। M1 निकाला है 1/2 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस, प्लस करेंगे तो 1/2 और माइनस 1/4। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर आप मैच करा लीजिए, आगे स्टेप कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट हो जाना चाहिए। tan इनवर्स 6/7 आ गया, tan इनवर्स 6/7, इतना तो आप भाई करें, एक्सपेक्टेशन है कि इतना कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। अगर मैं इतना बताता तो आपको बेकार कर रहा हूँ। आंसर एक बार टैली कर लेंगे, tan इनवर्स 6/7, जिससे कि आप एश्योर हो जाए। आगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। एंगल बिटवीन द लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल निकालना फट से आना चाहिए, बिल्कुल भी रत्ती भर टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट में फाइनली आपको पता ही है कि लास्ट में क्वेश्चंस देते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। एक साथ एक जगह एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिलना मुश्किल होते हैं, तो जितने मेहनत से प्रयास से यहाँ क्वेश्चंस लिखे गए, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस आज का कॉन्सेप्ट सीखा हमने, ऐसे आगे नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू।